इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। देखिए अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, इसकी पी और आरओई के बारे में बात करें। मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपने आईपीओ लेके आती है ताकि उसे अपने लिस्टिंग गेन ज़्यादा मिल सके और लोग भर भर के पैसे यहाँ पे निकाल सके। उन्होंने अपना रेवेन्यू सरप्लस नहीं दिखाया है जो कि इनके लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि 52 से 55 के बीच में रखी गई है। उसकी जो लॉट साइज रखी गई है वो 250 रखी गई है, ताकि जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स आराम से एक लॉट तो खरीद सकते हैं, जिसकी मिनिमम सारी कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, कंपनी के कितना आरओई है, पीई सब बताती है। और आई होप आपको मोतीसन ज्वेलर्स आईपीओ, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोतीसन ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में। देखिए मैं आईपीओ के बारे में आपको कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले बता दूँ, तो ये आईपीओ मेनली लाया गया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। देखिए इसकी जो सबसे पहली प्राइस बैंड रखी गई है 52 से 55 के बीच में रखी गई है, उसकी जो लॉट साइज रखी गई है वो 250 रखी गई है, ताकि जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स आराम से एक लॉट तो खरीद सकते हैं, जिसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 13,750 रुपये। देखिए जब बुल रन होता है तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपने आईपीओ लेके आती है ताकि उसे अपने लिस्टिंग गेन ज़्यादा मिल सके और लोग भर भर के पैसे यहाँ पे निकाल सकें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स पैसे कमाते हैं या फिर इन्वेस्टर्स पैसे कमाते हैं, कंपनी को भी लिस्टिंग गेन में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलता है। अगर आप पिछले 4 से 5 आईपीओ को देखेंगे तो लगातार आपको गेन देखने को मिल रहा है हर आईपीओ में, ठीक है। सो सबसे पहले इसके आईपीओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और अगर आपको लेना हो तो ये लीजिए क्योंकि आपके पास इससे बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसे नहीं खाली यही सबसे बेस्ट और यही लास्ट आईपीओ होने वाला है, इससे बेटर आईपीओ भी आपको अवेलेबल है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है, इस वक्त मार्केट में बुल रन चल रहा है और बुल रन में हर आईपीओ हर शेयर इस वक्त तेज़ी से बढ़ रहा है। सो अधिकतर लोग इसमें जीएमपी जानने आए होंगे, सबसे पहले मैं जीएमपी बता देता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है अप्रॉक्स 100 रुपीज़, ठीक है, मतलब 55 रुपीज़ के बैंड प्राइस में आने वाला इसका जीएमपी चल रहा है 100 रुपीज़, जो कि इसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो आईपीओ के बारे में बात करके पता करते हैं कि ये ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है या फिर ठीक ठीक था है। सो अगर हम लोग सबसे पहले इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो इसकी फेस वैल्यू 10 है, प्राइस बैंड मैंने आपको बताया 52 से 55 रुपीज़ के बीच में आएगा, लॉट साइज इसकी 250 के बीच में आएगी, और साथ ही साथ ये NSE BSE दोनों पे रजिस्टर होने वाला है, ठीक है। अब आईपीओ की ओपनिंग डेट कब आ रही है, तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट हो रही है 18 दिसंबर को, क्लोजिंग डेट आपको 20 दिसंबर को देखने को मिल जाएगी, और अलॉटमेंट इसका आपको 21 तारीख को देखने को मिल जाएगा, और जो भी आपके पैसे एक्स्ट्रा और जितने भी इसने लिए होंगे, और साथ ही साथ इसका क्रेडिट जो आपके खाते में है वो 22 तारीख को आ जाएगा, मतलब 22 तारीख से आप इसको अपडेट कर सकते हैं, और 26 तारीख को आपकी इसकी लिस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि अभी सेबी ने कर दिया है कि जल्दी जल्दी लिस्टिंग करा रहा है, और अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो आपको आईपीओ का प्राइस यानी कि जो आपने पैसा दे रखा है वो आपको पहले ही मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं कंपनी के क्रेडेंशियल्स की, तो सबसे पहले अगर हम आपको उसके एसेट दिखाएं तो देखिए एसेट तो इसका बहुत पॉजिटिव है, मतलब इसके एसेट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं तो इसके लिए पॉजिटिव साइन है, ठीक है। रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू इसका थोड़ा सा नेगेटिव साइन है क्योंकि ये घटता चला जा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात की जाए तो वो भी आपको इसमें कमी देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ इन्होंने अपना रेवेन्यू सरप्लस नहीं दिखाया है जो कि इनके लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी अपना वो क्यों छुपा रही है, ये सवाल होना चाहिए एक सबके अंदर। साथ ही साथ नेटवर्थ में इसकी हम लोगों को पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है क्योंकि ये बढ़ रहा है, और टोटल बोरिंग भी इसकी कम हो रही है जो इसके लिए एक पॉजिटिव साइन है। ऑल ओवर इसके हिसाब से देखें तो सही है, लेकिन मेरे अंदर एक अभी भी सवाल है कि इसने रेवेन्यू एंड सरप्लस क्यों नहीं दिखा रखा, ऐसा क्या था कि इसने रेवेन्यू सरप्लस नहीं दिखाना पड़ा इसको, तो ये इस कंपनी के लिए नेगेटिव साइन हो सकता है। सो अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, इसकी पी और आरओई के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो इसका 17 है, जो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको खुद ही पता होगा कि 17 का पी रेशियो ज़्यादा होता है। पोस्ट पी की बात करें तो वो भी हल्का सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओसीई की बात करें तो वो भी मेरे हिसाब से सेटिस्फाइंग नहीं है, ठीक है। मैंने तो आपको बता दिया कि आप अपने हिसाब से एनालाइज कर लीजिए कि इसमें क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे आईपीओ इन फ्यूचर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आईपीओ की लिस्टिंग ख़त्म नहीं हुई, अभी कई सारे आईपीओ आएंगे और बुल रन है तो कई सारे आईपीओ आपको इसमें नए भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसमें हम लोग कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कब तक इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए ये आईपीओ दो पार्ट में डिवाइडेड है, या तो आप इसके लिस्टिंग गेन उठा लीजिए, अगर आप इसके लिस्टिंग गेन उठाते हैं तो आपको पहले दिन में अप्रॉक्स 100 का अगर इसका जीएमपी चल रहा है तो आपको आराम से इसमें अप्रॉक्स 4,000 रुपये का गेन देखने को मिल जाएगा लिस्टिंग के दिन, अगर आप लिस्टिंग गेन इसको निकाल लेते हैं।
होल्डिंग की बात कर ली जाए तो होल्डिंग मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं है। अब होल्डिंग सही नहीं है क्यों मैंने बोला, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर जगह पे काम करती है, ठीक है। इसके जितना भी काम है डाइवर्सिफाइड नहीं है, ये खाली एक जगह पे काम करती है और ये एक तरीके से उतनी बेटर कंपनी नहीं है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, और शॉर्ट टर्म भी ये बेटर नहीं है। इसमें आप लिस्टिंग गेन के लिए अगर जाना चाहते हैं, GMP के लिए जाना चाहते हैं, जो इसका दिखा रहा है, जो इसकी बम्पर लिस्टिंग दिखा रहा है, क्योंकि कई सारे बड़े एनालिस्ट का कहना है कि बम्पर लिस्टिंग होने वाली है, तो अगर खा रही आप लिस्टिंग गेन उठाना चाहते हैं तो आप इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए या फिर इसमें अपना पैसा फंसाने के लिए, तो फिर ये आपके लिए किसी काम का नहीं है। अगर आपको लिस्टिंग गेन उठाना है तो आप बिल्कुल उठाइए, और होल्डिंग मेरे हिसाब से आपको नहीं करनी चाहिए। बाकी मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बता दिया कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, कंपनी के कितना ROI है, PE सब बता दिए, और आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। सो इसी तरीके से IPO की जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।